लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का वापस आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रवासी मजदूरों के घर वापसी को लेकर बरवाडी स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम सतर्क है, जहां रविवार को भी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सुबोध के नेतृत्व में सैंपल लेने को लेकर गठित टीम के द्वारा तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों से 39 प्रवासी मजदूरों का स्वास्थ्य जांच करने के बाद सैंपल लेने का काम किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सुबोध ने बताया कि सभी प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया है, जिनका सैंपल लेने के बाद उनकी जांच के लिए सैंपल को रांची भेजने का काम किया गया है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने यह भी बताया कि सैंपल लेने में प्रवासी मजदूर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम का पूरा सहयोग कर रहे हैं। वहीं अब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा प्रखंड के सभी पंचायतों के अंतर्गत बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में जाकर सैंपल लेने का काम कर रही है। एटीएम टेस्ट 39 पेशेंट का किया गया, जो बाहर से या तो पैदल चल के आए थे या विभिन्न साधनों से आए थे, गवर्नमेंट की व्यवस्था के तहत नहीं आए थे, उन लोग को जाँचों उपरांत थर्मल टेस्ट किया गया और वीटीएम टेस्ट किया गया। वीटीएम का सैंपलिंग किया गया है और उस सैंपलिंग को जिला मुख्यालय से आरएमसीएच भेज दिया जाएगा। रिपोर्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मुख्यतः तो तीन जोन में बांटे गए हैं, ये मरीज जो ये मजदूर जो आए हुए थे ये किस जोन से आए हुए थे? मैक्सिमम रेड जोन, ऑरेंज जोन के हैं। लातेहार से रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।